डायरेक्टर हैं सर आप इस फिल्म के? जी, फिल्म आई थिंक शूटिंग इज डन. या शूटिंग इज कंप्लीट, फिल्म कंप्लीट है एंड वी आर रिलीजिंग सून, वेरी सून, होपफुली बाय नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक. बरखा इज अ म्यूजिकल लव स्टोरी. बेसिकली ये एक लड़की की कहानी है जो कि मुझे एक एक्चुअली एक रियल लाइफ इंसिडेंट से मैं इंस्पायर हुआ था कि जहाँ से मुझे लाइन मिली थी एंड आफ्टर दैट मैंने उस पर कहानी बुनी है. सो इट्स अ रियल स्टोरी. इट्स अ जर्नी ऑफ लव फ्रॉम 4 to 8 ईयर्स. I think, is it your love story, right? No, it is not my love story. It is not my love story. ये किसी की कहानी है, किसी की लव स्टोरी है, बट वहाँ से मुझे आइडिया मिला था. सारा इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर. एक्चुअली जब मैंने ये स्टोरी कम्प्लीट की थी, कम्प्लीट करके आई वॉज सर्चिंग फॉर एन एक्ट्रेस के इस कैरेक्टर को जी कौन सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. सो देन आई मेट सारा एंड जब मैंने उसके साथ नरेशन किया एंड वी सैट अलॉन्ग ऑन द स्क्रिप्ट, तो शी वॉज डॉट ऑन इट, कि वो समझ गई थी कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए. सो सारा ही बरखा है मेरे हिसाब से, कोई और ये कर नहीं सकता था. जी जी, मैं जैसे बताया ना, वी वर सिटिंग विद अ फ्रेंड, हम कपल ऑफ फ्रेंड्स बैठे थे एंड वहाँ एक कोई इंसिडेंट हुआ छोटा सा. सो फ्रॉम देयर आई गॉट दिस लाइन जिसके ऊपर मैंने पूरी कहानी बुनी है. सो ये अक्सर हम कई बार देखते हैं, कई हमारी ज़िंदगी में कई लोग आते जाते हैं बट हम ध्यान नहीं देते. तो अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो क्या पता उसकी भी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ है जो बताने लायक हो. तो ये वैसा थॉट. सारा लॉरेंस के साथ इसमें ताहा शाह है जो कि बहुत ही अच्छा एक्टर है एंड इसके अलावा श्वेता पंडित है जो सिंगर है, वो काफ़ी टाइम बाद एक फिल्म कर रही, इससे पहले उन्होंने की थी, उनका काफ़ी अच्छा रोल है इसमें, सपोर्टिंग रोल है. इसके अलावा राशिल टंडन है जो ताहा के फ्रेंड बने हुए हैं. प्रियांशु चटर्जी आपको इसमें एक सरप्राइज पैकेज मिलेंगे, ही इज़ नॉट डन एनीथिंग लाइक दिस. सो वो एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट है फिल्म के लिए एंड फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो. वी वर वेरी एक्साइटेड, यार ऐसा मैंने आज तक नहीं किया. सो दैट्स इट.